अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल इंप्रूव योर लाइफ स्टाइल भी दिख क्या हाल चाल हैं आप सबके टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बच्चों के कपड़ों के डिज़ाइन क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ ये वाले जो ड्रेसेस आप देख रहे हो ये आयरा को मेरी स्टूडेंट्स ने गिफ्ट किए हैं बहुत प्यार के साथ उसने ये सारे स्टिच करके इसको गिफ्ट किए हैं तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर लेती हूँ ताकि आप अपनी बेटियों के अगर डिज़ाइन बनाना चाहती हो तो आप देख के बना सको आपकी हेल्प हो जाएगी ये वाला आप फ्रॉक देख सकते हो रेड कलर का ये फ्रॉक है थोड़ा सा मोटा स्टफ है ये नीचे लैस लगाई हुई है शटल लेस और प्लेट्स डाली हुई हैं सिंपल सा ये फ्रॉक है और मैं कहती हूँ बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि शोक कलर आपको पता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और यह छोटा सा इसका पजामा है वाइट कलर में ये वाला ड्रेस इसको मैं पहनाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम पे आपके साथ मैं पिक्चर शेयर कर सकूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह का लगता है तो इसकी ये ओवरऑल लुक है बहुत ही प्यारा सा ये छोटा सा ड्रेस लग रहा है मुझे तो बहुत प्यारा ड्रेस लगा मेरे चैनल को साथ साथ वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें अगला ये वाला फ्रॉक आ जाता है ये है ग्रीन कलर में और ये गर्मियों का कपड़ा है यानी कि गर्मियों का स्टफ है लॉन में है और ये देख सकते हो नीचे प्लेट्स डाली हुई हैं कितनी प्यारी सी प्लेट्स है मतलब कि फ्रिल बनी हुई है प्लेट्स की और प्रिंटेड कपड़ा है और इसे और ये आप देख सकते हो साथ में फूल बना हुआ है और ऊपर सा बनाया हुआ है प्रिंटेड कपड़े का सिंपल कपड़ा लिया हुआ है ग्रीन कलर का सादा कपड़ा है और उसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग की हुई है प्रिंटेड कपड़े के साथ तो मैं कहती हूँ यह बहुत ही प्यारा फ्रॉक लग रहा है ऐसा फ़्रॉक आप बाज़ार में जाओ तो रेडीमेड आपको मिलते हैं आप जो रेडीमेड आपने बाज़ार से इस तरह के फ्रॉक ख़रीदने हैं तो आप खुद डिज़ाइन ये देख के इस तरह का बना सकते हो साथ में छोटा सा पजामा है और ये ओवरऑल इसकी लुक है बिल्कुल रेडीमेड ये फ्रॉक लग रहा है कोई ये नहीं कह सकता कि इसको आपने घर में स्टिच किया है अगला ये वाला आप फ्रॉक देख सकते हो इस पर भी लास्ट पे फ्रिल्स बनी हुई है और पेटी लगी हुई है नीचे जो फ्रॉक है वो प्लेट्स डली हुई हैं और इसके नीचे छोटी सी लेस लगी हुई है सिल्वर कलर की तो ये भी बहुत प्यारा फ्रॉक लग रहा है मगर ये वाला जो फ्रॉक है ये बड़ा है मेरे ख्याल से ये तीन साल के बच्चे को ये फ्रॉक आएगा मगर इसको मैं संभाल के रख लूँगी उसने बहुत प्यार के साथ ये सारे फ्रॉक स्टिच किए हुए हैं तो इसे मैं संभाल के रखूंगी जब आयरा मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं इसको पहनाऊँगी तो ये इसकी पूरी ओवरऑल लुक है अगले फ्रॉक पे आ जाते हैं ये वाला फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया ये येलो और वाइट का कंट्रास्ट इसने किया हुआ है नीचे शटल लेस लगाई हुई है और साथ में फूल बनाया हुआ है बहुत ही सफाई के साथ इसने ये ड्रेसेस सारे सिलाई किए हैं और ये खुद स्टिच भी करती है और लेस लगाई हुई है और ये आप देख सकते हो इसकी ओवरऑल लुक जो पेटी है इसने बड़ी रखी हुई है और नीचे छोटी सी इसने वो फ्रिल बनाई हुई है साथ में पजामा है और उसके नीचे शटर लेस है बच्चों के जो फ्रॉक वगैरह ड्रेसेज आप बनाते हैं उसके नीचे आप शटर लेस ही लगाओ क्योंकि फैंसी लेस से बच्चों के चुभेगी ये वाला जो ड्रेस है ये रेशमी स्टफ में आ जाता है मगर ये भी बहुत प्यारा है ये भी जब ये डेढ़ साल की होगी मेरे ख्याल से तब इसकी आएगा जब ये चलना शुरू हो जाएगी इसने लैस लगाई हुई है पेटी पे और नीचे भी इसने लैस लगाई हुई है तो ये भी प्यारा सा ड्रेस है घर में ही आप अगर बच्चों के कपड़े निकालना चाहो अपने ड्रेसेस में से पीसीस निकाल लो और बच्चों के डिज़ाइन अच्छे अच्छे बना सकते हो क्योंकि बाज़ार में भी इसी तरह के डिज़ाइन आपको मिलते हैं ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ बच्चों की कलेक्शन शेयर की है गर्मियों की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा ये थे ड्रेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़